एरियाज रहते हैं वहां पर फाइट शायद देखने को मिल सकती है, बट दिस इज द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट द अनलकी डिप जो यहां पर रहता है बिकॉज टीएसएम एंटिटी. अब ये जॉनाथन का ग्रेनेड जाता है स्काउट की डायरेक्शन में जरूर था, बट देन नियो के पास भी ग्रेनेड आया होता है, किल वहां पर डाउन जरूर थे, बट देन मुश्किलें अब ये आ रही है कि हर तरफ से ग्रेनेड जा रहे हैं एंड वो डिप एक इंपॉर्टेंट वो एरिया बन जाता है जहां पर ग्रेनेड जाएंगे तो मैक्सिमम डैमेज निकलेगा भी. जी हाँ, यहाँ पे ऑरेंज रॉक की जो मूवमेंट एरिया रिस्ट्रिक्ट हो गई थी और इसी के साथ नियो का बहुत ही शानदार ग्रेनेड आया. मवी और वीरू दोनों प्लेयर्स नॉकआउट हो चुके हैं और इसके साथ टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाएंगे. गेल फिलहाल जीगॉड को नॉकआउट कर चुके हैं, बट गेल काफी ज्यादा लो थे, गेल को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया. क्लच गॉड यहाँ पे पीछे से बहुत ही शानदार कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑरेंज रॉक के स्काउट लास्ट मेंबर सर्वाइविंग अपनी टीम के लिए और इनको अभी टीएसएम के पूरे स्क्वाड के साथ डील करना पड़ेगा. जीगॉड फिलहाल नॉक होकर पड़े, जॉनथन ने यहाँ पे ऑरेंज रॉक के स्काउट को स्पॉट कर लिया. यहाँ पे फाइट चलता हुआ फिर से यहाँ पे जॉनथन स्काउट को फिनिश करेंगे और इसी के साथ ऑरेंज रॉक हो चुके इस गेम से एलिमिनेट. जॉनथन बीइंग दैट डूम्सडे जो कि फाइट के अंदर आते हैं और सीधा यहाँ पे बहुत ही शानदार कंपाउंड का हाई ग्राउंड एडवांटेज लेते हुए आई शॉट भी काफी ज्यादा स्प्रेड आउट हो चुका है. मार्टिन ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को कर दिया नॉक, जक्सी डैमेज लेते हुए जोन के बाहर थे बट फिर से अंदर अपने आप को जकड़ चुके हैं. BTR के माइक्रो बॉय के काफी करीब जा चुके, क्या वो उनको हील दे पाएंगे? इन सब फाइट्स में फायदा जॉनथन को आप देखिए बाहर है, सारे प्लेयर्स इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं, उनके लिए अभी किसी को आइडिया नहीं है, बट अब फाइट्स आती है सब घरों की सब एरियाज की, बिकॉज़ फाइनली इन सब चीजों को छोड़कर प्लेयर्स को ओपन में जाना है. वैडलस के प्लेयर्स बहुत बेहतरीन फाइट्स निकाल रहे हैं अपने लिए और RCS के प्लेयर्स को भी डाउन करेंगे. मार्टिन में वहां पर डाउन हो चुके हैं बट यूरली को फिनिश ऑफ जरूर कीजिएगा. पीछे BTR के प्लेयर्स भी बाहर के एरिया पर बैठेगा. आम जो यहां पर यूरली को पिक ऑफ कर चुके थे, टीम सीक्रेट के प्लेयर्स भी हैं. पांच टीमें बचती हैं और इन सब में टीम सीक्रेट, वाइल्डर्स, बिगेड्रॉन, TSM, रिजेक्ट, स्कारलेट, इन सब के प्लेयर्स हैं. जक्सी बाहर है, उनको पता अगर वो आगे गए तो टीम सीक्रेट के प्लेयर्स उनको टेक डाउन कर सकते हैं. वेब वो अपनी एक हील बैटल कर रहे थे बट प्ले जोन विल बी हैविंग द फाइनल लाफ. और अब चार टीमों में TSM एंटिटी, जॉनथन है गोज विद अ ग्रेनेड, जक्सी माइट जस्ट गो डाउन बट उनके हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड पर रह गया वो ग्रेनेड. जी हां, यहां पे दीवार हेल्प करता हुआ BTR के जक्सी को बट जॉनथन ऑलरेडी उनको काफी टाइम से स्पॉट आउट कर रखे थे और जॉनथन फिलहाल यहां पे मैट टॉय को नॉक कर चुके हैं. टीम सीक्रेट काफी ज्यादा मुसीबतों में, यूहाई और रेक कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम देयर टीममेट्स. वाल्डस के प्लेस के पास एक अच्छा खासा मौका है बट रेक्स यहाँ पे स्पॉट आउट करेंगे मार्टिन को, बट फिलहाल रेक्स भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे यूहाई के द्वारा. एंड आई थिंक सेम टीम में यूहाई ने यहाँ पे मार्टिन को बहुत ज्यादा नॉक करा है. एंड यहाँ पे BTR के जक्सी देखते यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक जरूर ले रहे बट कितने देर तक जिंदा रह सकते. TSM एंटिटी के जॉनथन अभी भी हेस्टैक का कवर लेके बैठे. आर्म जॉन यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएगा BTR के जक्सी के द्वारा, इंस्टेंटली उनको भी फिनिश ऑफ कर देंगे. टीम सीक्रेट के यूहाई यहाँ पे काफी करीब जा चुके, BTR के प्लेयर्स हो चुके हैं एलिमिनेट. आई कैन नॉट बिलीव व्हाट जॉनथन इज डूइंग राइट नाउ. आप देखिए टीम सीक्रेट उनके सामने यूहाई बच्चे जरूर हुए और ये वन वर्सेस वन की फाइट है. जॉनथन यू जस्ट नीड टू किल वन प्लेयर एंड ही स्पॉट्स हिम. TSM एंटिटी जॉनथन गॉड हो गया. यस ही इज बिकॉज़ ही गेट्स दैट. जी हाँ, TSM एंटिटी स्टार्टिंग का एक ब्लंडर बट उसके बावजूद भी TSM